गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एना फिजियो क्लास. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेंसरी ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, इन विच टुडे वी विल डील विद द ईयर, ह्यूमन ईयर. आप जानते हैं भाई, सेंसरी ऑर्गन्स में ईयर, नोज़ आता है, स्किन आती है. स्किन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमारा ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईयर. ईयर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे. तो आपको यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है ईयर की स्ट्रक्चर बनाई गई है. तो इस ईयर को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले ईयर क्या चीज़ है भाई? द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस. आपकी बॉडी में जो सुनने के काम आ रहा है और जो बैलेंस बनाने के काम आने वाला ऑर्गन है उसे हम ईयर कहते हैं. ईयर के कई पार्ट्स होते हैं, उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ईयर को, जैसे कि एक्सटर्नल और आउटर ईयर, सेकंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, थर्ड मिडल ईयर जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ इनर ईयर. तो ये चार पार्ट्स में हम जनरली इसको डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और आउटर ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, मिडल ईयर और टिम्पैनिक कैविटी, एंड लास्ट इनर ईयर. अब सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इन जो नाम मैंने चारों लिए हैं इनके बारे में मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद अपन इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये सब क्या चीज़ें होती है. तो जो हम कह रहे हैं एक्सटर्नल और आउटर ईयर, तो ये दो पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. पिन्ना को हम ऑरिकल भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं. पिन्ना जो है वो ईयर का आउटसाइड वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है नेकेड आई से आप देख सकते हैं, वो ईयर पिन्ना कहलाता है. और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक ट्यूब होती है जो कि आउटर ईयर को अंदर की तरफ मिडल ईयर से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि आउटर ईयर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मिडल ईयर आता है, तो वो इनसाइड में जाते हुए इनसाइड वाले पार्ट जिसको अपन मिडल ईयर कहते हैं उससे जोड़ने का काम कर रही होती है. तो ये तो एक्सटर्नल ईयर का सुपरफिशियल हमने देखा. दूसरा मैंने आपके सामने नाम लिया कि सेकेंड पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से अलग करने का काम करती है, डिवाइड करती है. एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से अलग कर देती है, डिवाइड कर देती है. तो इसको अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर डर्म कहते हैं. आपको ये जो है इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ डार्क ग्रीन कलर की इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं. बाहर आपको ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिखाई दे रहा है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो लाइट ग्रीन पार्ट से दिखाया गया है वो आगे जा कर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से सेपरेट हो करके मिडल ईयर से अलग होता है, और उसके बाद का जो पार्ट है वो मिडल ईयर का पार्ट है. दूसरा मिडल ईयर जिसको अपन टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, जो आपको डायग्राम में रेड कलर का, डार्क रेड कलर का दिखाई गया है, वो टिम्पैनिक कैविटी है जिसे अपन मिडल ईयर भी कहते हैं. ये मिडल ईयर बना हुआ होता है ऑसिकल्स का और यूस्टेशियन ट्यूब का. डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे लाइट रेड कलर की यूस्टेशियन ट्यूब दिखाई गई है, आप देख सकते हैं इसको क्लियरली इस डायग्राम के अंदर. और दूसरा इसका कौन सा पार्ट है, वो है ऑसिकल्स. अब ये जो ऑसिकल्स हैं ये क्या चीज़ हैं? ऑसिकल्स तीन छोटी बोन्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती है और ट्रांसमिट करती है साउंड वेव्स को इनर ईयर तक. जो साउंड वेव्स आपके एक्सटर्नल ईयर से होती हुई आ रही है उस साउंड वेव्स को इनर ईयर तक कनेक्ट और ट्रांसमिट करने का काम ये तीन बोन्स जिनको अपन ऑसिकल्स कहते हैं वो करती हैं. और ये तीन बोन्स कौन सी हैं? तो इनका नाम है मेलियस, इंकस, स्टेपस. आपको ऊपर की तरफ डायग्राम में ये लेवल की हुई दिखाई गई हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपस. स्टेपस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है अटैच्ड टू ओवल विंडो, क्योंकि ओवल विंडो से जुड़ी हुई है. दूसरा पार्ट मैंने आपको कहा इसका यूस्टेशियन ट्यूब है, मिडल ईयर का दूसरा पार्ट है यूस्टेशियन ट्यूब. ये एक कैनाल होती है जो कि मिडल ईयर को लिंक करती है नोज़ के बैक पार्ट से.
नोज़ के आपके नाक का जो पिछला हिस्सा है वो पिछला हिस्सा मिडल ईयर से इस यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। तो कान को नाक से जोड़ने का काम इस यूस्टेशियन ट्यूब का है, जो कि कैनाल के फॉर्म में आपको गुफा के रूप में दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये मिडल ईयर में जो प्रेशर होता है उसको भी इक्वलाइज करने का काम करती है, हेल्प्स टू इक्वलाइज द प्रेशर इन द मिडल ईयर। इसके अलावा इक्वलाइज प्रेशर जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें उस प्रेशर को इक्वलाइज करना है, ताकि साउंड वेव्स अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके। अगर ये प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा तो साउंड वेव्स का ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी और हमें साफ सुनाई नहीं देगा जो साउंड आ रहा है। तो यूस्टेशियन ट्यूब इक्वलाइज प्रेशर इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ साउंड वेव्स। इसके अलावा इस यूस्टेशियन ट्यूब में म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है, जैसे कि आपके नोज़ के अंदर आपने देखा है म्यूकस की लाइनिंग, आपके गले के अंदर ये गीला पार्ट, नाक के अंदर भी पार्ट गीला है, मुंह के अंदर का पार्ट भी गीला है, क्योंकि म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है आपके मुंह नाक में, वैसे यूस्टेशियन ट्यूब में भी म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है। इसके अलावा तीसरा पार्ट हमने कहा इनर ईयर, जो कि बना हुआ होता है तीन मेन पार्ट्स का, कोकलिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्क्यूलर कैनाल। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड से आप देखिए पर्पल कलर का कोकलिया, इससे जुड़ी हुई कोकलियर नर्व दिखाई गई है, उसके ऊपर वेस्टिब्यूल पार्ट है जिससे वेस्टिब्यूलर नर्व जुड़ी हुई है, और उसके ऊपर आपको ये खरगोश के कान के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको आप सेमी सर्क्यूलर कैनाल कहते हैं। कोकलिया में जैसे मैंने बोला दिस कंटेन्स द नर्व फॉर हियरिंग, कोकलिया में वो नर्व होती है जो आपके हियरिंग में काम आ रही होती है। दूसरा जो वेस्टिब्यूल है, इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो आपके बैलेंस का काम करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल में भी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये हमने एक जनरल आउटलाइन देखी है पूरे ईयर की, इन शॉर्ट में हमने देखी कि ईयर के हमने कहा चार पार्ट बोले, एक्सटर्नल और आउटर ईयर, जिसके दो पार्ट्स थे पिन्ना और ओरिकल, सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ट्यूब। दूसरा पार्ट हमने कहा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको आप ईयर ड्रम कहते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से डिवाइड करने का काम करता है। तीसरा है मिडल ईयर, जिसको आप टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, टिम्पैनिक कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं ऑसिकल्स, जो कि तीन बोन्स हैं, मेलियस, इंकस, स्टैपस से मिलकर ऑसिकल्स बनी हुई है, और दूसरा है यूस्टेशियन ट्यूब। और थर्ड फोर्थ पार्ट जो है हमने पढ़ा इनर ईयर का, इस इनर ईयर के तीन पार्ट्स हैं कोकलिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्क्यूलर कैनाल। तो ये तो हमने ईयर के बारे में एक जनरल चीज़ पढ़ी। दूसरा, अब अगर हम देखें तो हम क्या बोल क्या रहे हैं ईयर के बारे में, तो आप देखिए ज़रा, द ईयर इज़ द सेंसरी ऑर्गन ऑफ साउंड। साउंड के लिए सेंसरी ऑर्गन है, या आप कह सकते हैं द ईयर इज़ द सेंस ऑर्गन दैट इनेबल्स अस टू हियर। ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमारे को सुनाई देने, कोई चीज़ सुनने में हेल्पफुल होता है, सुनने के काम में आता है, ऐसा सेंस ऑर्गन है हमारा ईयर। द सेंस ऑफ हियरिंग इज सेंसिटिव टू द साउंड स्टिम्यूलाई। अब जो साउंड का स्टिम्यूलाई आपके कान तक पहुंच रहा है उसके लिए, उसी के लिए सेंसिटिव, वही सेंसिटिविटी आपके अंदर पैदा करेगा और उसी से आपको सेंस ऑफ हियरिंग आपके अंदर आएगी, मतलब आपको चीज़ें सुनाई देगी। नेक्स्ट, एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर हैज़ देयर ओन फंक्शंस एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी स्ट्रक्चर, जो अभी अपन ने नाम लिया भाई, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, यूस्टेशियन वगैरह वगैरह, जितने भी नाम आए, वो सारे के सारे जो ईयर की स्ट्रक्चर्स हैं उनका अपना एक अलग फंक्शन है, और वो सभी फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इनर ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सटर्नल ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबके अपने अपने अलग फंक्शंस होते हैं। तो हमने क्या बोला, द ईयर इज द सेंस ऑर्गन दैट इनेबल्स अस टू हियर, जो हमें सुनाई देने में हेल्पफुल होता है। तो अब हियर जब हम बार बार बोल रहे हैं तो भाई हियरिंग होती क्या है, इसको भी डिफाइन कर लें अपन। हियरिंग
can be defined as the perception of sound energy via the brain and the central nervous system. मतलब brain और central nervous system से होती हुई जो sound energy का perception आपको मिल रहा है उसी को आप hearing कह रहे हैं कि आपको अपने brain और CNS से ये पता चल रहा है कि कोई sound आ रहा है, कोई sound energy आ रही है, आपको कुछ महसूस हो रहा है, आपको कुछ पता चल रहा है, तो उसी perception को अपन hearing कहते हैं. अब थोड़ा सा हियरिंग को और अपन अच्छे से देख लें कि भाई हियरिंग क्या है. हालांकि हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म आएगी क्योंकि हमें एनाफिजियो दोनों पढ़नी है, पर फिर भी हम एक बार शॉर्ट में देख लें चीज़ें कि हियरिंग में क्या होता है. एक्चुअली दो कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं हियरिंग मतलब सुनाई देना, तो सुनाई कैसे दे रही होती है. सो हियरिंग कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स. क्या हैं वो दो कॉम्पोनेंट्स? पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड, सेकेंड लोकलाइजेशन ऑफ दो साउंड. कि भाई पहले आप साउंड को आइडेंटिफाई करो और दूसरा उस साउंड को लोकलाइज करो. आइडेंटिफाई करना मतलब व्हाट द साउंड इज, कि क्या साउंड है, कैसा साउंड आपको सुनाई दे रहा है. कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कैसा साउंड है वो. तो आपको साउंड को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड. आइडेंटिफिकेशन मतलब व्हाट द साउंड इज. एंड सेकेंड वन लोकलाइजेशन ऑफ दो साउंड्स, मतलब वेयर द साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम. वो साउंड कहाँ से आ रहा है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, किस जगह से आ रहा है. क्योंकि आवाज़ जहाँ से आ रही होती है आप उसी साइड मुड़ते हो. ऐसा कभी नहीं होगा कि आवाज़ लेफ्ट से आई और आप राइट साइड मुड़ गए, आवाज़ पीछे से आई आप आगे की तरफ देख रहे हो. ऐसा कभी नहीं होता. मतलब आपको पता चलता है कि साउंड की लोकेशन क्या है. तो लोकलाइजेशन दूसरा प्रोसेस हो गया हियरिंग के अंदर. अब हमने अभी बोला कि अब ईयर को थोड़ा सा देख लेते हो, मैंने हियरिंग की डेफिनेशन और उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताया. अब थोड़ा सा हम ये देखें कि द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स. मेन पार्ट्स तीन है. वो जो चौथा मैंने बोला वो तो मेम्ब्रेन थी जो डिवाइड कर रहा था. अदरवाइज़ अगर पार्ट्स की आप बात करें तो ईयर को हमने तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन से तीन मेन पार्ट्स हैं, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर. डायग्राम में आपको क्लियरली ये तीनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आउटर, मिडल और इनर ईयर. आउटर ईयर आपको येलो पार्ट से दिखाया गया है, मिडल ईयर आपको पिंक पार्ट से और इनर ईयर आपको ब्लू पार्ट से दिखाया गया है. अब इसमें इनर ईयर जो है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है. इनर ईयर की खासियत है कि उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है. तो जब भी कोई और फ्लूइड के साथ साथ में इसमें रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स हमने अभी पहले मैंने आपको जब जनरल इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था कि साउंड के रिसेप्टर्स भी इनर ईयर में होते हैं. तो जब कोई साउंड आती है तो क्या होता है कि ये जो फ्लूइड हमने बोला इनर ईयर में भरा हुआ रहता है, ये फ्लूइड मोशन करना स्टार्ट करता है. और जो साउंड के रिसेप्टर्स हमारे इनर ईयर में पाए जाते हैं वो उस फ्लूइड मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल. इस चीज़ को वापस से सुनिए. हमने बोला पहला तो द इनर ईयर इज फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड भरा हुआ रहेगा. दूसरा द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर साउंड विच कन्वर्ट फ्लूइड मोशन इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नोन एज एक्शन पोटेंशियल दैट आर सेंट टू द ब्रेन टू इनेबल साउंड परसेप्शन. कि जैसे ही कोई साउंड आएगा तो फ्लूइड का मोशन इनर ईयर में होना स्टार्ट होगा और जो साउंड के रिसेप्टर्स इनर ईयर में पाए जाते हैं वो इस फ्लूइड मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देंगे जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. और ये एक्शन पोटेंशियल हमारे ब्रेन तक जाएगा ताकि हमें साउंड परसेप्शन पता चल सके कि भाई कैसा साउंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. दूसरी चीज़ ये कि द एयर बॉर्न साउंड वेव्स मस्ट देयरफॉर बी चैनल्ड टूवर्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द इनर ईयर फॉर हियरिंग टू अकर. मतलब हमें इस ऊपर वाली जितनी लाइनें हमने बोली उससे हमें ये पता चल रहा है कि इनर ईयर का सबसे बड़ा रोल है हियरिंग के अंदर. तो जो एयर बॉर्न साउंड वेव्स कान में आ रही है वो एकदम सही तरीके से चैनल वाइज जो है वो इनर ईयर की तरफ ट्रांसफ़र होनी चाहिए ताकि हमें चीज़ें सुनाई दे सकें. दूसरी चीज़
द रोल ऑफ आउटर एंड मिडल ईयर इज टू ट्रांसमिट साउंड टू द इनर ईयर. तो मेन रोल है इनर ईयर का, पर इनर ईयर तक इस साउंड को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो हमारा आउटर और मिडल ईयर करता है. इसके अलावा ये कंपनसेट भी करता है अगर साउंड एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, आपको नहीं सुनाई दे रही है किसी वजह से, तो ये कंपनसेशन का काम भी करता है. दैट naturally occurs when the sound waves pass from air into water by amplifying the sound energy during the process of sound transmission. तो sound transmission के जरिए जब sound waves pass हो रही है अगर air से water में, तो ये sound energy को amplify कर देगा ताकि आपको voice एकदम clear सुनाई दे सके. तो ये इसका दूसरा function हो गया. पहला तो हियरिंग वगैरह काम कर रही थी, और कैसे कर रही थी कि आउटर ईयर और मिडल ईयर जो है वो ट्रांसमिट कर रहे थे साउंड को. दूसरा ये साउंड एनर्जी अगर लॉस हो जाए तो उसमें भी कंपनसेट कर रहे होते हैं. एयर से वाटर में अगर साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं तो साउंड एनर्जी को एम्पलीफाई करने का काम भी कर रहे होते हैं. और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन एडिशन टू कन्वर्टिंग साउंड वेव्स इनटू नर्व एक्शन पोटेंशियल. क्योंकि हमने कहा ना कि उसको हम एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं जो फ्लूइड मोशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रहा है. तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, नर्व एक्शन ही तो है, नर्व के थ्रू तो वर्क चल रहा है. तो साउंड वेव जो नर्व एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें द इनर ईयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम. एक तो नर्व एक्शन पोटेंशियल में काम आ रहा है और दूसरा इक्विलिब्रियम का सेंस भी वो आपके अंदर बनाए रखता है, विच रिलेट्स टू आर जनरल एबिलिटीज फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. और इसी के थ्रू हम अपने शरीर का बैलेंस और शरीर में कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं कि कब हमें सीधा हाथ आगे बढ़ाना है या सीधा पैर आगे बढ़ाना है. तो सभी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी ये सब कर रहे होते हैं. तो ये हमने पढ़ा जनरल हमारा ईयर कैसे वर्क कर रहा है. अब हमारे को हमने जो पार्ट्स पढ़े उनको हमारे को थोड़ा सा डिटेल में और देखना है. सबसे पहले आउटर ईयर को हम डिटेल में देख लें. तो ये डायग्राम आपके सामने है, आउटर ईयर को आप देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है भाई आउटर ईयर. ये आपको बाहर देखिए, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करिए. आउटर ईयर जिसको अपन पिन्ना भी कह रहे हैं, दिस आउटर ईयर एक्ट्स एज अ फनल टू कंडक्ट एयर वाइब्रेशन थ्रू टू द ईयर ड्रम. आउटर ईयर एक फनल की तरह, जैसे एक कोन होती है, उस फनल की तरह ये काम कर रहा है ताकि एयर वाइब्रेशन को ईयर ड्रम के थ्रू ले जाया जा सके, आगे भेजा जा सके. इसके अलावा दूसरा, इट आल्सो हैज़ द फंक्शन ऑफ साउंड लोकलाइजेशन. ये साउंड को लोकलाइज्ड करने का काम भी कर रहा होता है. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई एक तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा साउंड आ रहा है और कहाँ से आ रहा है. तो लोकलाइजेशन का काम भी यही कर रहा होता आउटर ईयर ही. इट आल्सो हैज़ अ फंक्शन ऑफ साउंड लोकलाइजेशन. साउंड लोकलाइजेशन फॉर साउंड्स अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट इज़ डिटरमाइंड इन टू वेज. अगर भाई आपके साउंड लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है तो इसको आप दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, या कहाँ से आ रहा है ये आप दो तरह से पता लगा सकते हो. दो तरह से पता लगाने का मतलब, फर्स्टली तो आपको देखना क्या है, द साउंड वेव्स रीचेज द ईयर क्लोजर टू द साउंड स्लाइटली अर्लियर देन इट रीचेज द आउटर ईयर. तो जो साउंड वेव्स जो आ रही है, जो कान तक पहुंच रही है, कोई भी ध्वनि जो आपके कानों तक पहुंच रही है वो क्लोजर है, द ईयर क्लोजर टू द साउंड स्लाइटली अर्लियर. वो कान के आपके थोड़ा सा जल्दी पास आ जाती है. जब वो निकलनी स्टार्ट हुई तो आपके कान के थोड़ा सा जल्दी पास आ जाएगी, स्लाइटली अर्लियर देन इट रीचेज द आउटर ईयर. आउटर ईयर तक पहुंची उसके बाद
एस आउटर ईयर तक जैसे ही पहुंची वैसे ही वो आपके अंदर तक जल्दी ही चली जाएगी। ऐसा नहीं कि अभी तो बाहर कान तक पहुंची है, अब धीरे धीरे मिडल तक पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे इनर तक पहुंचेगी, फिर ब्रेन तक पहुंचेगी, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या साउंड है। नहीं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। जितनी देर इसको आउटर ईयर में लगी है उससे भी ज़्यादा जल्दी ये इनर ईयर तक या ईयर के बाकी पार्ट्स तक पहुँच जाती है। तो फर्स्ट तो ये वे है। सेकेंडली, द साउंड इज लेस इंटेंस व्हेन इट रीचेस द सेकेंड ईयर। तो जब ये सेकेंड ईयर तक पहुंचेगी ये थोड़ा सा कम इंटेंस हो जाती है, जबकि आउटर ईयर में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज द हेड एक्ट्स एज अ साउंड बैरियर। अब ऐसा क्यों है कि थोड़ा मिडल ईयर तक जाने में टाइम लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा सर जो है वो एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है और पार्शली डिसरप्ट कर देता है साउंड वेव्स को स्प्रेड होने में। तो ये लाइन क्या बोल रही है? सेकेंडली, द साउंड इज लेस इंटेंस व्हेन इट रीचेस द सेकेंड ईयर बिकॉज द हेड एक्ट्स एज अ साउंड बैरियर partially disrupting the spreading of the sound waves। और ये थोड़ा बहुत जो sound waves spread हो रही है उसको disrupt भी कर देगा। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है? That all these cues are integrated by the brain to determine the location of the source of the sound। ये सारे के सारे cues हमारे brain तक जाएंगे और फिर वो ये पता लगाएगा कि source क्या है उस sound का, कहाँ से वो sound आ रहा है। इट इज़ देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज साउंड विद ओनली वन ईयर। इसलिए उस वो जो साउंड है वो केवल एक ईयर तक लोकलाइज नहीं रहता, वो तीनों ईयर्स में जाता हुआ ब्रेन के पास जाएगा और अपना काम ये करेगा। तो अभी तक जो मैंने जितनी लाइन्स बोली हैं आउटर ईयर के बारे में, मैं एक साथ आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में बता देती हूँ क्योंकि हिंदी में मैं आपको समझा चुकी हूँ। द आउटर ईयर एक्ट्स एज अ फनल to conduct air vibration through to the eardrum. It also has the function of sound localization. Sound localization for sounds approaching from the left or the right is determined in two ways. Firstly, the sound wave reaches the ear closer to the sound slightly earlier than it reaches the outer ear. Secondly, the sound is less intense when it reaches the second ear because the head acts as a sound barrier, partially disrupting the spreading of the sound waves. All these cues are integrated by the brain to determine the location of the source of the sound. It is therefore difficult to localize sound with only one ear. इसलिए हम साउंड को एक ईयर तक लोकलाइज नहीं रखते, वो सब जगह जा रहा और अपना काम कर रहा है। अब आपको इस में दिखाई दे रहा है कि भाई आउटर ईयर के दो पार्ट हैं, द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड द ईयर कैनाल। तो अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, भाई पिन्ना क्या चीज़ है और ईयर कैनाल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले पिन्ना को देखें, स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले पिन्ना देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। पिन्ना इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिकल और एक्सटर्नल ईयर। हम इसे ओरिकल भी कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। ये एक फ्लैप के जैसा ऑर्गन है। फ्लैप जैसा, आप देखो कान के हाथ लगा के ये आगे पीछे हो सकता है। तो ये फ्लैप जैसा ऑर्गन है जो सिर के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पाया जाता है। ये कार्टिलेज का और स्किन का बना होता है और फनल के जैसी, इसकी कोन के जैसी इसकी शेप होती है। ये साउंड को कलेक्ट करता है और हमारे ईयर कैनाल तक भेजने का काम करता है। इट कलेक्ट्स एंड डायरेक्ट साउंड्स इनटू द ईयर कैनाल। ये पिन्ना की खासियत है। तो हमने क्या बोला, इसको वापस से देख लेते हैं। द पिन्ना इज़ अ प्रोमिनेंट स्किन कवर्ड फ्लैप located on the side of the head। सिर के दोनों तरफ होता है, फ्लैप जैसी कवरिंग की स्किन इसमें होती है। एंड इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर एक्सटर्नली। जिस कान को आप बाहर से देख सकते हो उस कान का विजिबल पार्ट ये पिन्ना ही होता है। इट इज़ शेप्ड एंड सपोर्टेड बाई कार्टिलेज एक्सेप्ट फॉर द ईयर लोब। ईयर लोब के अलावा
इसकी जो शेप है और इसका जो सपोर्ट है वो कार्टिलेज दे रहा होता है, बस ईयर लोब में कार्टिलेज का वर्क नहीं है, बाकी कार्टिलेज इसको शेप देता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट कलेक्ट साउंड वेव्स एंड चैनल्स देम डाउन द एक्सटर्नल ईयर कैनाल थ्रू पैटर्न्स फॉर्म्ड ऑन द पिन्ना नोन एज वल्स और रेसिसस। वल्स और रेसिसस के थ्रू ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके भेजता है एक्सटर्नल ईयर कैनाल तक। इट्स शेप ऑल्सो पार्शली शील्ड्स साउंड वेव्स दैट अप्रोच द ईयर फ्रॉम द रियर, therefore enabling a person to tell whether a sound is coming directly from the front or the back। ये लाइन मैंने आपको बताई है कि भाई इसकी जो शेप है उस पर साउंड वेव्स के लिए वो पार्शली शील्डेड रहती है, तो जो ईयर तक जो साउंड आ रहा है उसको पहचाना जा सकता है और पर्सन ये बता सकता है कि वो साउंड किस तरफ से आ रहा है, आगे से आ रहा है या पीछे से आ रहा है। तो ये तो पिन्ना के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड पॉइंट आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, द ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल क्या है भाई, इसको अपन टनल या पैसेज वे भी कहते हैं। दैट बिगिंस एट द एक्सटर्नल ईयर एंड एक्सटेंड्स इनवर्ड टूवर्ड द ईयर ड्रम। जो एक्सटर्नल ईयर से शुरू होता हुआ अंदर की तरफ जाएगा ईयर ड्रम तक, उसे अपन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी टनल या पैसेज वे भी कहते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें हेयर्स की लाइनिंग पाई जाती है। कानों में हल्के हल्के बाल होते हैं ना, रोएं होते हैं, वो ये ऑडिटरी कैनाल में ही होते हैं। इट डायरेक्ट साउंड टू द ईयर ड्रम, और ये साउंड को ईयर ड्रम तक भेजने का काम करती है ईयर कैनाल। तो क्या है भाई ईयर कैनाल, द ईयर कैनाल इज रफली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट्स एंड स्लाइटली एस शेप। एडल्ट्स में 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और थोड़ी बहुत ये एस शेप की कैनाल जो है वो पाई जा रही होती है। इसमें कार्टिलेज का सपोर्ट रहता है ओपनिंग की तरफ जहाँ पर ये खुल रहा है, और जो बाकी की लेंथ है उसमें बोन का सपोर्ट रहता है। जिस जगह पर ईयर कैनाल खुल रहा है वहाँ तो कार्टिलेज का सपोर्ट है और बाकी जगहों पर बोन के थ्रू ये सपोर्टेड रहती है। स्किन की लाइनिंग पाई जाती है इस कैनाल के अंदर। इसमें ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो कि सीक्रीशंस को प्रोड्यूस करती है। लाइन क्या बोली हमने, स्किन लाइंस द कैनाल एंड कंटेन्स ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सीक्रीशन। और वो जो सीक्रीशन जो इस ईयर कैनाल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे कान की डेड स्किन सेल्स के साथ में मिल करके सेरुमिन बनाता है जिसको अपन ईयर वैक्स कहते हैं। सो स्किन लाइंस द कैनाल एंड कंटेन्स ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सीक्रीशन दैट मिक्स विद डेड स्किन सेल्स टू प्रोड्यूस सेरुमिन ऑल्सो नोन एज ईयर वैक्स। तो वो ईयर वैक्स हमारे कान में इसी ईयर कैनाल के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये सेरुमिन जो है फिर हमारे कान में जो हमने बोला भाई फाइन हेयर्स पाए जाते हैं वो उसको गार्ड किए रखते हैं। तो सेरुमिन अलोंग विद द फाइन हेयर्स दैट गार्ड द एंट्रेंस ऑफ द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल की एंट्रेंस में गार्ड, एंट्रेंस को गार्ड करने का काम ये फाइन हेयर्स कर रहे हैं ताकि कोई कचरा या बिना काम की चीज़ आपके कान के अंदर ना घुस जाए, तो उसको घुसने से रोकने के लिए हमारे कान में फाइन हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये सेरुमिन इन फाइन हेयर्स के साथ में क्या काम कर रहा है, हेल्प्स प्रिवेंट एयरबॉर्न पार्टिकल फ्रॉम रीचिंग द इनर पोर्शंस ऑफ द ईयर कैनाल। तो बाहर के कान से होता हुआ कोई भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स आपके ईयर कैनाल में या इनर पोर्शन जो है आपके ईयर का वहाँ तक ना चला जाए, उसको रोकने का काम एक तो आपके ईयर कैनाल के फाइन हेयर्स और साथ में सेरुमेन करता है। सेरुमेन भी कचरे को अंदर घुसने नहीं देता। एंड वेयर दे कुड एक्यूमुलेट और इंजर द ईयर ड्रम एंड इंटरफेयर विद हियरिंग, क्योंकि अगर वो कचरा आपके अंदर घुस गया तो वो जाके इकट्ठा हो जाएगा या ईयर ड्रम को इंजर्ड करेगा और आपके हियरिंग में इंटरफेयर करेगा। क्या होगा कि जाके इकट्ठा हो जाएगा, ईयर ड्रम को चोट पहुंचाएगा और आपको हो सकता है सुनाई ना दे अगर कचरा आपके कान में भर जाए। तो उस कचरे को रोकने का काम ये सेरुमिन कर रहा है।
सेरुमेन यूजली ड्राइज अप. ये सेरुमेन क्या है भाई, ये ईयर वैक्स है जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, आपके ईयर कैनाल से. तो ये प्रोड्यूस होता रहता है और जो पुराना है वो जनरली सूख करके बाहर आ जाता है, कैनाल से बाहर निकल जाता है. जो अपन बोलते हैं कान का कचरा है, वो कान का कचरा ये सेरुमेन ही होता है. जब ये सूख जाएगा तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और उसके अंदर अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कचरा चला गया था वो भी उसके अंदर रैप्ड हो जाता है. सो सेरुमेन यूजली ड्राइज अप एंड फॉल्स आउट ऑफ द कैनाल. हाउएवर इट कैन समटाइम्स बिकम इम्पैक्ट एंड डिसरप्ट हियरिंग. पर कई बार ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के अंदर कि ये बाहर नहीं आ पाता, वहीं पे फंस जाता है कान के अंदर ही, तो ऑब्वियस है ये हियरिंग को डिसरप्ट भी करेगा. ये सेरुमेन की खासियत. तो इसके साथ आपका आउटर ईयर का पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. आप इस आउटर ईयर तक जो है वो एनाटॉमी पढ़िए. जनरल मैंने फिजियोलॉजी भी आपको साउंड की बताई कि कैसे आपका साउंड आ रहा है, क्या उसकी मैकेनिज्म है आने की, किस तरह उसे वर्क कर रहा है. हमने आउटर ईयर में पढ़ा कि भाई कैसे दो तरीके से ये फंक्शन कर रहा होता है, वो भी पढ़ा. और जनरल में भी मैंने आपको एनाटॉमी जब बताई तो मैंने बताया कि ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है साउंड एनर्जी की परसेप्शन के लिए, और ये इसके दो हियरिंग के दो कंपोनेंट्स होते हैं कि साउंड को आइडेंटिफाई करने का काम आता है, साउंड को लोकलाइज करने का काम आता है. तो हमने जनरल फिजियोलॉजी भी बताई, पढ़ी उसकी. तो मैंने जो भी चीज़ें बोली है वो आपके पास रिकॉर्डेड हैं, आप आराम से उन्हें नोट कर सकते हैं. कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप अपने CR को अपने क्वेश्चंस लिख करके दे दें, मेरे पास पहुंच जाएंगे वो क्वेश्चंस और हम इसको आपके डाउट्स को जो है वो दूर करने की कोशिश करेंगे. तो आज के लिए आउटर ईयर तक काफ़ी है. इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिडल ईयर पढ़ेंगे. मिडल ईयर के बाद हम इनर ईयर डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टेप वाइज चलते रहेंगे. आपको कुछ भी डाउट है, अपने क्वेश्चंस आप मेरे को लिख करके दे सकते हैं, आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.